हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। श्याम रसोई में आपका स्वागत है। आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए आज हम इसी खुशी में एक बढ़िया सा चटपटा सा दो ही सामान से बनने वाला नाश्ता आपको बताएंगे, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही कम सामान में बन करके रेडी हो जाता है और चटपटा सा है, एकदम से एकदम खट्टा खट्टा सा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जब तक अपनी वीडियो चल रही है। ये लिया है हमने सूजी, एक कटोरी सूजी लिया है। इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी दही। उसी कटोरी से हम आधा कटोरी दही डालेंगे। कुछ ज़्यादा नहीं है, बस दो ही सामान से बनाएंगे और आप इसको कभी भी बना करके रेडी कर सकते हो। ये डाला हमने टेस्ट के अनुसार नमक। इन सब को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। आप जब भी बच्चों को टिफ़िन के लिए बनाना हो तो तुरंत बना करके दे सकते हैं। घर पे कोई मेहमान आ जाए तो तुरंत बना ले, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो। अब ये डाला हमने पानी, बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। आधी कटोरी दही डली, आधा कटोरी के करीब ही बस पानी डलेगा, ज़्यादा नहीं डलेगा। एकदम से पतला बैटर नहीं बनाना है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा ही रखना है अपने को। ये देखिए ऐसा, इतना गाढ़ा रखना है हमें। अच्छे से हमने कर लिया है मिक्स। इसमें कुछ नहीं डाला है अभी, दही नमक और पानी ही डाला है सूजी में, और कुछ नहीं डाला है, कोई वेजिटेबल नहीं डालेंगे। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। 10 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे, या तो आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं हो तो आपके पास एक इनो का पाउच जो आता है, एक चम्मच आता है उसमें, वो डाल दें और थोड़ा सा पानी डाला इसको एक्टिवेट करने के लिए। अब इसको कर लेंगे मिक्स अच्छे से। आप चाहो तो इसमें वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, पर जैसे दही इसमें अच्छी खासी हमने डाली है तो इसमें वेजिटेबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वैसे ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, एकदम से खट्टा खट्टा सा। थोड़ा हटके भी खाना चाहिए, वेजिटेबल तो हम हर चीज़ में डालते ही हैं, पर आज हम एकदम से सिंपल बना रहे हैं। ये देखिए इतना गाढ़ा बैटर हमें चाहिए। आज इंडिपेंडेंस डे है तो हम इसको अलग 3 कलर में बनाएंगे, तिरंगे के कलर में, नहीं तो आप बिल्कुल सिंपल इसको बना सकते हैं। अभी इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमें 3 कलर का बनाना है। ये दो बाउल में हमने अलग से निकाल लिया, एक में ये था ही, एक में डालेंगे ग्रीन फूड कलर और एक में डालेंगे ऑरेंज फूड कलर, और ये रख दिया हमने वाइट कलर का। तो इन सबको अच्छे से कर लेंगे मिक्स कलर डालने के बाद में। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। देखिए ग्रीन वाला हमें मिक्स कर लिया, अब हम रेड वाले को भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम डालेंगे आधा चम्मच तेल तवे पे, बिल्कुल ही कम तेल में, आधा चम्मच में ये पूरा नाश्ता बन करके रेडी हो जाएगा। कोई ऑयल ही नहीं रहता है, बिल्कुल भी ऑयल फ्री रहता है एकदम से। आधा ही चम्मच तेल डाला है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है, इसी से बन करके रेडी हो जाएगा सारा नाश्ता और दोबारा से डालने की जरूरत नहीं पड़ती है उस पर। और बिल्कुल स्लो आंच पे अपना तवा रखना है, बहुत ज़्यादा एकदम से तेज़ आंच पे ना रखें, नहीं तो फिर वो फैलाते फैलाते टाइम ही अपना जल जाएगा। एकदम से कम आंच पे रखना। पहले डालेंगे हम ग्रीन कलर, इसको हम राउंड शेप दे देंगे थोड़ा सा, अगर आपको राउंड देना है, नहीं तो तिरंगा बना रहे हैं आज तो फिर चौकोर भी आप बना सकते हैं, मैं आपको दोनों तरह का बना करके बताऊँगी। अभी ये डाल दिया हमने वाइट कलर, ग्रीन कलर के बाद वाइट कलर, क्योंकि बीच में वाइट कलर होता है। इसको भी हम अच्छे से फैला देंगे। अब डालेंगे हम ऑरेंज कलर, इसको भी हम चारों तरफ अच्छे से ऐसे ही राउंड शेप दे देंगे। ये देखने में इतना सुंदर लगता है क्योंकि हमारे तिरंगे का कलर है तो वो तो सबको ही प्यारा लगता है। ये देखिए ऐसे एक एक चम्मच डालते डालते हम इसको राउंड शेप दे देंगे। तो राउंड शेप में फैला करके, और साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा या बड़ा जैसे भी आपको मन हो बना सकते हैं। इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए 4 से 5 मिनट के बाद ये पक गया है नीचे से, अब हम इसको पलट लेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा पलटे के साथ में चारों तरफ से नीचे पलटा डाल के इसको किनारे, जैसे चिपकता नहीं है वैसे तो ये, पर अगर बाई चांस कहीं पर अगर चिपका हो तो एक बार घुमा लें। अब इसको हम पलट देंगे। ये देखिए अच्छे से पलट दिया है। अब इसको ढक कर के 3 से 4 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी पकने देंगे। अब ये दूसरी साइड से भी पक करके हो गया रेडी। चलिए अब इसको हम निकाल लेंगे। देखा कुछ भी नहीं लगता है, बिल्कुल ही कम सामान में बन करके रेडी हुआ है। और जब खाओगे ना तो सिंपल ही, उसको भले ही चटनी के साथ भी नहीं खाओगे तो खाली भी खाने में अच्छा लगता है, एकदम से खट्टा खट्टा सा होता है। आप ज़रूर बना करके ट्राई करें। ये देखिए एक हमने चोकोर वाला बना लिया है, इसके साथ आप मूंगफली दाने की चटनी, नारियल की चटनी, हरे धनिए, टमाटर की चटनी, उनके साथ भी सर्व करेंगे, दही के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। पर मेरे को तो ये पर्सनली तो
ऐसे खुला ही बिल्कुल एकदम से अकेला ही अच्छा लगा, बहुत ही चटपटा सा। ये देखिए दोनों तरफ से ये भी पक गया है, ये भी हम निकाल लेंगे। अब हम इनके ना पीसेस काटेंगे, थोड़ा सा जैसे लंबी लंबी पट्टियाँ काट लेंगे इसकी, ताकि देखने में भी अच्छी लगे। जैसे हम सर्व करेंगे इसको तो देखने में थोड़ी सी अच्छी लगे। ये देखिए ये हमने इसको काट करके कर लिया है रेडी। इसकी आप इडलियाँ भी बना सकते हो, आप इसका ढोकला भी बना सकते हो, आप इसका चिल्ला भी बना सकते हो, आपका जो भी मन हो उसको वैसा शेप दे सकते हैं। मैन तो रहता है टेस्ट तो उसका सेम ही रहेगा, जैसे भी शेप में आप इसको बना लो। ये देखिए ये नाश्ता हमारा बन करके हो गया रेडी। गोल वाले का भी हमने पीसेस काट लिए हैं बिल्कुल एकदम से ट्रायंगल टाइप में। देखिए देखने में इतना सुंदर सा प्यारा सा लग रहा है और खाने में भी टेस्टी लगता है। कुछ सामान ज़्यादा लगा नहीं, बनाइए खाइए और कमेंट करके हमें भी बताइए कि आपको कैसा लगा। जय माता दी, जय श्री श्याम, धन्यवाद।